एवरी वन वेलकम टू करंट क्रंच तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर इसमें हम कवर करने वाले हैं पार्ट टू ऑफ चैप्टर नंबर सेवन विच इज यस एंड सोसाइटी ठीक है इंट्रोडक्शन इसको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में मैंने दे दिया है तो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर एज ऑलवेज से डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है एंड इन केस यू वॉन्ट टू रीच आउट टू मी दिस इज अल आई डी वी यू कैन राइट करंट क्रं फोर वन वन एट जी मेल डॉट कॉम ठीक है इस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट डायरेक्टली कर सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं प्रेशर ग्रुप एंड इंटरेस्ट ग्रुप से देखो प्रेशर ग्रुप क्या होता है बेसिकली प्रेशर नाम से ही आपको लग रहा होगा ये एक ग्रुप है जो प्रेशर एक्जर्ट करता है किन पे उन लोगों के पास जिनके पास अथॉरिटी होती है वैसे पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन जो होते हैं कंट्री के उन पे ये प्रेशर पुट करता है ताकि अपने जो लोग हैं जिनके लिए प्रेशर ग्रुप बना है उनके लिए कुछ बेनिफिट्स ले सके फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन हैं इंडिया में काफ़ी जो प्रेशर ग्रुप्स एज एक्ट करती हैं तो ये एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रेशर पुट करेंगे ताकि ये अपने लोगों के लिए ट्राइबल लोगों के लिए ट्राइबल पीपल के लिए क्या करें कुछ बेनिफिट्स जो है एक्सट्रैक्ट कर पाए ठीक है ऑल हम प्रेशर ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप्स को वी यूज दीज टर्म्स इंटरचेंजेबली लेकिन आप बोल सकते हो जो इंटरेस्ट ग्रुप है वो एक टाइप ऑफ या सब टाइप है प्रेशर ग्रुप का ठीक है तो ये एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट के लिए काम करता है इंटरेस्ट ग्रुप ऑफ कन्वीनियंस हम इसको इंटरचेंजेबली भी यूज करते हैं प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं जैसे ट्रेड रिलेटेड प्रेशर ग्रुप्स आगे आपके ट्रेड यूनियंस ये आपने पढ़ा होगा ए आई इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस तो ऐसे सारे नाम जो आप सुनते हो ये बेसिकली क्या होते हैं प्रेशर ग्रुप्स होते हैं दे आर द फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो एग्जर्ट करते हैं प्रेशर ऑन पॉलिटिकल और द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ ए कंट्री टू एक्सट्रैक्ट बेनिफिट्स आउट ऑफ इट एंड एडवांस देयर ओन इंटरेस्ट ठीक है आप इन्फ्लुएंस करते हैं इन पार्टीज़ को इन इंस्टीट्यूशन को जिनके पास पावर होता है ताकि अपने मेंबर्स जो हैं इनके जिनके लिए प्रेशर ग्रुप बना है उनके हक में ये कुछ जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सट्रैक्ट कर पाए ये डोमिनेंट ग्रुप्स भी बनाते हैं प्रेशर ग्रुप्स आपके या आपके जो डिप्राइव्ड वंस भी होते हैं जैसे आपके रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं जो ऑलरेडी डोमिनेंट है सोसाइटी में लेकिन अपने प्रेशर ग्रुप्स फॉर्म करती हैं या आपके डिप्राइवड वंस भी होते हैं जैसे आपकी ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह एज अ फॉर्मर पुस्ट स्टेट फॉर द इकोनॉमिक कंसेशन एंड द लेटर डिमांड्स बेसिक एम्यूनिटीज इन ए कंपीटिंग एनवायरमेंट ठीक है ये इकोनॉमिक कंसेशंस के लिए और ये किसके लिए ताकि उनको जो बेसिक चीजें हैं एटलीस्ट वो मिल सके दे हैव कम अप लार्जली इन द वे ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज एंड कम्पीटिंग इंटरेस्ट देखो बेसिकली आते क्यों है प्रेशर ग्रुप्स क्योंकि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो कम है ठीक है जैसे आपके पास जो स्टेट आपको रिसोर्स प्रोवाइड करती है चाहे वो थ्रू स्कीम्स हो या सब मॉनेटरी बेनिफिट हो या जॉब्स हो अगर जनरल पिक्चर देखे ये सारे जो रिसोर्सेज हैं ये कम है सोसाइटी में लेकिन इनको लेने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा हैं तो ऐसे लोग जो ऑलरेडी डिप्राइव्ड हैं वो ज़्यादा पीछे ना रह जाएँ इस वजह से प्रेशर ग्रुप्स बनते हैं ताकि इन लोगों के लिए कुछ काम किया जाए जो एक्सिस्टेंस ऑफ प्रेशर ग्रुप्स है इन सोसाइटी इज वैलिडेशन ऑफ द प्लुरलिस्टिक एट थियोरी अगर आप पुराने लेक्चर में वापस जाओ तो एक आपके क्लासिकल एलिट्स थे जो क्या कहते थे पावर जो है वो सेंट्रल उसको बोलते थे किसी एक एंटिटी के पास उसके ऑपोजिट कौन सी आ गई थी आपकी प्लुरलिस्टिक एलिट थियोरी जिसने कहा था जो पावर है दैट इज डिस्पर्स इन सोसाइटी और एक से ज्यादा इंस्टीट्यूशन जो है दे होल्ड पावर तो ये जो है प्रेशर ग्रुप्स है टेस्टिमनी टू दिस के जो पावर है इन सोसाइटी और एक से ज्यादा इंस्टीट्यूशन के पास भी पावर होता है प्रेशर ग्रुप्स के केसेस में आप देख लो प्रेशर ग्रुप्स के पास भी पावर होता है फाइन तो हम इसको क्या बोलते हैं ये एक वैलिडेशन है ऑफ द प्लूरलिस्टिक एलिट थियरी गिवन बाय रॉबर्ट दहल हंड्रेड एंड अदर्स एंड जो प्रेशर ग्रुप है दे एक्ट एज मल्टीपल पावर सेंटर्स इन मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसीज दे एक्ट एज व्हीकल्स ऑफ मोबिलाइजेशन ऑफ मासेस क्योंकि मासेस उनका डायरेक्टली कॉन्टेक्ट होता है तो वो मोबिलाइज कर पाते हैं मासेज को इस वजह से क्या होता है कि उनकी बात मानी भी जाती है प्रेशर ग्रुप की क्योंकि वहाँ से आपका वोट बैंक वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी आ जाता है

ये ये सारे जो इस यहाँ पे पॉइंट्स लिखे ये इसके पॉजिटिव इसके बेनिफिट्स में हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा सिंपल सी चीज है वॉलेंटरी एक्शन जो है वो डेमोक्रेसी का बेसिक चीज है क्योंकि इसमें लोग जो है खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं और प्रेशर ग्रुप्स जो है ये क्या करता है बेसिकली यही कर रहे हैं प्रमोट कर रहे हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन लोगों की पॉलिसी मेकिंग से लेकर एक्चुअली इंप्लीमेंट करना उसको फिर ग्राउंड पे भी इन मेनी वेजी ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करते हैं तो द इन इिक्वेसी ऑफ़ पॉलिटिकल पार्टीज क्योंकि अगर वो सही से काम नहीं कर रही है तो यू गेट एन ऑल्टरनेटिव इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इंडिया में जो प्रेशर ग्रुप्स हैं दे आर फॉर्म्ड सिर्फ प्रमोट करने के लिए नहीं लेकिन प्रिजर्व करने के लिए इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी और प्रमोट एंड प्रोटेक्ट करने के लिए लिंग्विस्टिक कल्चर एंड रिलीजस इंटरेस्ट को ऑल तो ये पॉजिटिव है लेकिन अगर आप इसमें ज़्यादा गुजर तो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव भी देखने को मिलेगा क्योंकि अगर आप ज़्यादा रिलिजन कल्चर लिंग्विस्टिक इनको ज़्यादा बातें प्रोटेक्ट uh, करने की आप ज्यादा इनको बातें करोगे तो कहीं ना कहीं वो ओवरऑल जो यूनिटी है और सॉलिडारिटी है उसको ऑफ द नेशन उसको हिंडर करता है यूएसए में दे आर वेल स्टैब्लिश सोर्स ऑफ इलेक्शन फंडिंग वहाँ से बहुत बड़ा सोर्स है प्रेशर ग्रुप से ड्यूरिंग द इलेक्शन एज वेल एज ग्रास रूट मोबिलाइजेशन के लिए भी काम आते हैं मॉडर्न नेशंस लाइक यूएस में पहले इसको देते हैं आगे देखते हैं ये जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं सोशल मूवमेंट्स में और कुछ खुद और कुछ खुद को इंस्टीट्यूशनलाइज कर लेते हैं फॉर एग्जांपल आपका वर्ल्ड सोशल फोरम जो आया था एज अ काउंटर नरेटेड टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ठीक है और कुछ क्या बनते हैं ट्रांसफॉर्म करते हैं इन सोशल मूवमेंट्स फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको क्लियर ओवर करना चाहो आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन आपने सुना होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन तो बेसिकली स्टार्ट किससे हुआ था ये अगेंस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम्स तो हुआ क्या था इसमें वेरियस जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं वो साथ में आए थे ठीक है उन्होंने लेड किया था इस मूवमेंट को और ये एक इंटरेस्ट ग्रुप्स के थ्रू एक मूवमेंट बनी थी और ये मूवमेंट बाद में काफी मास स्केल पे बनी थी जिसने फिर विश फॉर फॉर द राइट्स ऑफ डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज ऑल्सो एंड इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात भी करी थी ठीक है तो ये आप बोल सकते हो ऐसे करके ये ट्रांजिटिव होता है इन द फॉर्म ऑफ सोशल मूवमेंट्स ऑल्सो जो प्रेशर ग्रुप्स है उनको क्लासिफाई किया जाता है बाय डिफरेंट सोशियलॉजिस्ट यहाँ पे आप नाम देख लो मॉरिस डुवरगर मेन्शन टू टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स आपके प्रोमोशनल एंड प्रोटेक्टिव प्रमोशनल होते हैं जो किसी इंटरेस्ट को प्रमोट करें किसी कॉज को प्रोमोट करें एंड प्रोटेक्ट होता है जो किसी चीज के लिए आपको प्रोटेक्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल आपके ट्रेड यूनियन या आपका एसोचैम एंड सी ठीक है ये बेसिकली क्या करते हैं ये आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं एसोचैम इज योर एसोसिएशन ऑफ आई थिंक चेंबर्स ऑफ कॉमर्स समथिंग इन इंडिया एंड दिस इज योर कन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया तो इकोनॉमिक तो इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए बनते हैं एंड सेकेंड इज फॉर यूर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स एंड ग्रीन ट्रीज इज फॉर यूर एनवायरमेंट तो ये प्रमोट करते हैं किसी कॉज को गेबरल पावल एट ऑन द अदर हैंड टॉक्ट अबाउट इन्होंने इंस्टीट्यूशनल एसोसिएशनल एटॉमिक नॉन एसोसिएशनल ऐसे करके कुछ टाइप्स किए थे जिनके यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी मैं ठीक है अब देखो मेथड जो क्या यूज करते हैं प्रेशर ग्रुप्स ये वैरी कर सकता है कभी हो सकता है कि उनका एक कॉर्डियल रेपो बना होता है पॉलिटिकल पार्टी के साथ मीन्स उनके अच्छे रिलेशन होते हैं या वो एजिटेशन भी कर सकते हैं प्रोटेस्ट भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं मेमोरेंडा राइटिंग ऑफ लेटर्स पुटिंग फोर्थ फॉर व्यूज बिफोर लेजिस्लेचर एट्सिट्रा वो सारे जो ये रेगुलर प्रैक्टिसज हैं एडोप्टेड बाई द प्रेशर ग्रुप्स ठीक है कंसेप्ट ऑफ प्रेशर ग्रुप्स जो है रिफ्लेक्ट द एक्चुअल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी विच इज नॉट इन अ डायरेक्ट फैशन बाय द पीपल राधर इनडायरेक्टली वाया प्रेशर इन इंटरेस्ट ग्रुप्स ठीक है तो डायरेक्टली बाय द पीपल नहीं रादरली रादर कैसे होता है इनडायरेक्टली कैसे प्रेशर एक्सर्ट करके थ्रू द प्रेशर ग्रुप्स एंड दी इंटरेस्ट ग्रुप्स ठीक है अब ये तो हो गया सारे मेथड्स यूज करते हैं दूसरा हो गया ये सिविल डिसओबीडियंस प्रोटेस्ट वगैरह ये भी इसमें इंक्लूड होता है प्रेशर ग्रुप्स ये सारे भी मेथड्स टैक्टिक्स यूज कर सकते हैं फाइन या ब्राइबरी पोलिटिकल फंडिंग कुछ नेगेटिव मेथड्स आगे कंट्रीज लाइक इंडिया जहां पर कॉर्पोरेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन जो है इज नॉट एनकरेज लेकिन ये होती है तो वहां प्रेशर ग्रुप्स को आप यूज कर सकते हो फॉर बैकडोर फंडिंग यूएसए में सच फंड ओपनली गिवन जूरिंग फंड रेजिंग कैंपेन्स जूरिंग द इलेक्शन टाइम्स किस की हेल्प से प्रेशर ग्रुप्स की हेल्प से ठीक है सच ग्रुप्स ऑल्सो सफर फ्रॉम सर्टन लिमिटेशन दो दे रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ सर्टन ग्रुप दिस समाइम्स मेक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बायस्ट इन फेवर ऑफ सम सेक्शन क्योंकि आप किसी एक सेक्शन की बात कर रहे हो दैट मीन्स कोई ना कोई सेक्शन डिप्राइव रह जाता है और उस डिप्राइव सेक्शन में भी आप एक पर्टिकुलर सेक्शन को ज्यादा प्रमोट करोगे जिससे आपको भी फायदा होगा तो वो भी एक रूप जो है ये प्रेशर ग्रुप्स आपके ले लेते हैं अनलाइक प्रेशर ग्रुप्स इन द वेस्ट जो मोस्टली इकोनॉमिक कॉजेज के लिए होते हैं इंडिया में ये ऑर्गेनाइज होते हैं अराउंड रिलीजन रीजनल कास्ट एंड एथनिक चीजों पे ठीक है तो ये चीज़ जो है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री के लिए अच्छी नहीं होती है लैक ऑफ रिसोर्स भी इनका एक नेगेटिव एक लिमिटेशन है जिससे सफर करते हैं ऑल दो प्रेशर ग्रुप्स जो है डिफरेंशिएट करते हैं खुद को पोलिटिकल पार्टी से लेकिन काफी ऐसे प्रेशर ग्रुप्स भी देखे गए हैं जो डेवलप करते हैं बाद में बादल एग्जाम्पल इंडिया आउटफिट ठीक है अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज आपको प्रेशर ग्रुप एंड इंटरेस्ट ग्रुप आई होप क्लियर हो गया हो नेक्स्ट विल मूव ऑन टू तो दी पॉलिटिकल पार्टी पहले देखते हैं वेबर ने कुछ डिफाइन किया पॉलिटिकल पार्टी को कि ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है जो प्रमोट कैंडिडेट्स को कंटेस्ट करते हैं वो इलेक्शन फॉर द एम ऑफ कैप्चरिंग पावर सिंपल सी डेफिनेशन है वेबर की आप याद रख सकते हो कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पॉलिटिकल पार्टी के कि इट इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ पीपल दैट इट लूजली कॉर्डिनेटेड नहीं होती है एक वेल ऑर्गेनाइज डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है इसका ऑर्गेनाइज हो गया ऑर्गेनाइज होगा किसी आइडियोलॉजी के अराउंड या कोई प्रिंसिपल्स के अराउंड मतलब कुछ ऐसे लोग सामने आ गए और कुछ एक चीज बन गया ग्रुप ऐसा नहीं होता है कोई आइडियोलॉजी होती है प्रिंसिपल होती है उसके अराउंड ऑर्गेनाइज होता है ये वर्क करता है कि नहीं एक फिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ ए नेशन पे एम्स टू फॉर्म गवर्नमेंट लेजिटिमेट मीन से थ्रू लाइक कंटेस्टिंग इलेक्शन एट्सेट्रा इट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन मोबिलाइज करवाता है पब्लिक ओपिनियन और सर्टन मैटर्स वाइल इन ऑपोजिशन यू कीप्स द रूलिंग पार्टी इन चेक थ्रू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो पार्लियामेंट में आपको देखने को मिलता होगा एंड अ डिसिप्लिन द रिप्रेजेंटेटिव ठीक है अगर ये इसमें भी रहेगा अगर जो पार्टी रूल कर रही होती है वो भी पॉलिटिकल पार्टी आपके कंट्री की डेवलपमेंट के लिए क्योंकि सारा काम वही कर रही है और अगर ये ऑपोजिशन में भी रहेगा तो भी ये एक पॉजिटिव पार्ट प्ले करती है पॉलिटिकल पार्टी क्योंकि रूलिंग पार्टी को इन चेक रखती है कि उस पर नजर भी रखेगी और थ्रू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वो चेक में भी रहेगा अकॉर्डिंग टू फंक्शन पोलिटिकल पार्टी का इन्हें अच्छा ही बोला होगा तो इन्होंने गार्डियंस ऑफ पावर इन सोसाइटी बोला है पोलिटिकल पार्टीज हैव बिकम इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज क्योंकि डेमोक्रेसीज टुडे आर इन द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज और पोलिटिकल पार्टीज क्या करती है बेसिकली रिप्रेजेंट करती है लोगों को थ्रू अ लीडर ठीक है लार्ज पॉपुलेशन इन पोलिटिकल सिस्टम ऑफ टुडे के नॉट बी गवर्न बाय डिस्परेट ग्रुप्स उनके लिए उनको एक पोलिटिकल पार्टी चाहिए तो ये स्टेबल ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल लीडर्स को कितने सारे लीडर्स आपको रूल करेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता ना स्पेशली इन ए कंट्री लाइक इंडिया इतनी बड़ी कंट्री को तो इस वजह से क्या होता है एक पोलिटिकल पार्टी आती है जो अपना एक लीडर चूज करती है और वो आपको क्या करता है आपके आइडियाज को पुट फॉरवर्ड करता है पॉलिटिकल पार्टीज आल्सो प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क फॉर कैरिंग आउट पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन लार्ज डेमोक्रेसीज ठीक है तो आपको फ्रेमवर्क भी देती है कि कैसे करके पॉलिटिकल पार्टी को काम करना है रॉबर्ट दहल इन हु गवर्न उन्होंने कहा था पॉलिटिकल पार्टी जो ही एक्ट करती है एज अ लिंकेज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल और ये प्रोवाइड करती है प्लेटफॉर्म फॉर द इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन एंड द ऑफ प्रेशर ग्रुप्स ठीक है पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज करता है ओपिनियन को लोगों की ओपिनियंस को मोबिलाइज करता है और लोगों को भी मोबिलाइज करता है पॉलिटिकल पार्टी ठीक है उनको ऑर्गेनाइज करता है किसी चीज के लिए ये लिंक एक्ट uh, करता है बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल क्योंकि लोग बेसिकली uh, डेमोक्रेसी में क्या होता है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए लोगों की लोग भी पार्टिसिपेट करने चाहिए काम में अब लोग खुद से तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते ना हर कोई इंसान सोसाइटी का पार्टिसिपेट नहीं कर सकता तो वो एक लीडर चूज करता है वो लीडर पॉलिटिकल पार्टी बनाता है या लोग मिलकर पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं जो अपना एक लीडर सामने चूज करता है जो फाइनली क्या करेगा आपके जो आइडियाज हैं पुट फॉरवर्ड करेगा और ऐसे लॉज बनाने में हेल्प करेगा जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे ठीक अब देखो रॉबर्ट ओ मिशल्स आ, इन हिज पॉलिटिकल पार्टीज इन्होंने कहा था चाहे आ, जितनी भी पार्टीज हैं चाहे वो डेमोक्रेसी हो ऑटोक्रेसी हो ये ऑर्गेनाइज होते हैं एंड की डिसीजंस आर टेकन ओनली बाय हैंडफुल ऑफ पीपल और ये डेमोक्रेटिक नहीं है कि जो लोग एक बारी बन गए ना जो बन गए ठीक है तो वो खुद को अकाउंटेबल नहीं समझते हैं ऑल दो जो फाइव ईयर्स के बाद अगर हम इंडिया की एग्जाम्पल इलेक्शन के टाइम पे इनको सामने आना होता है कुछ जवाब देने होते हैं लेकिन और फाइव ईयर्स के ड्यूरेशन में वो खुद को अकाउंटेबल नहीं समझते अपनी जो मर्जी आती है वो करते हैं उन डिसीजन जो होते हैं नेक्स्ट इलेक्शन को दिमाग में रखे लेते हैं और फॉर द लार्ज इंटरेस्ट ऑफ पीपल वो डिसीजन नहीं लेते हैं और एक्चुअली इट इज़ नथिंग बाई अ रूल ऑफ फ्यू जिसको हम आयरन लॉ ऑफ ऑलिगैरकी इसने कहा था मिशेल्स ने जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था ऑलिगैरकी मीन्स रूल बाई फ्यू और ब्यूरो को आयरन की जो रैशनैलिटी कहा था इन दो चीज़ों में नहीं होना वो वेबर ने ने कहा कहा था था या अब हमारे पास कुछ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के टाइप्स हैं पॉलिटिकल पॉलिटिकल सिस्टम में होता है जब लोगों का कोई लेना देना नहीं होता है आर अन अवेयर ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन द स्टेट ठीक है वो इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि ऑटोक्रेटिक स्टेट अगर हो आपकी तो लोगों के पास इतना पावर ही नहीं होता है कुछ करने का तो दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल मतलब दे डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल स्पेक्टेटर्स होते हैं जो वोटिंग पोलिंग वगैरह में आप, आ, पार्ट लेते हैं इन जनरल डिस्कशन में ठीक है मेजरली इस वजह से या तो पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल है उनको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती या उनके पास चॉइस नहीं है कि वो इसके अलावा भी कुछ कर पाए ट्रांजिशनल एक्टिविस्ट होते हैं जो अपने मीटिंग्स होती हैं थोड़े एक्टिव होते हैं ये फंड्स वगैरह भी रेज करते हैं जैसे जन लोकपाल मूवमेंट हुई थी अन्ना हजारे की करप्शन के अगेंस्ट हुई थी इस टाइम पे जो लोग बिहेवियर दिखाते हैं उनको ट्रांजिशनल एक्टिविस्ट बोलते हैं ग्लाडिएटर्स होते हैं जो एंटर करते हैं इस पॉलिटिकल एरिया में एंड कंटेस्ट इलेक्शन तो चार टाइप्स है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के जो आपको लेस्टर मिल ब्राथ ने दिए थे पॉलिटिकल एपेथेटिक स्पेक्टेटर्स एक्टिविस्ट एंड ग्लाडिएटर्स ठीक है पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं दे आर ऑल्सो डिफाइन इन टर्म्स ऑफ वो भी कोई इंटरेस्ट सर्व करती हैं अकॉर्डिंग टू दिस थे पीपल टेक द मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज या उनके लिए वोट करना अचीव करने के लिए अपने इंडिविजुअल या ग्रुप इंटरेस्ट को लेकिन लोग अपनी आइडियोलॉजी इंटरेस्ट प्रेस्टीज या सेक्रीफाइस के लिए भी ज्वाइन करते हैं तो देर इज ऑल्सो सम पॉजिटिव आस्पेक्ट टू इट फाइन तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट एंड सिटीजनशिप देखते हैं आज हम इसमें कितना कवर कर पाते हैं मैक्स वेबर ने कहा स्टेट इज अ बॉडी दैट सक्सेसफुली क्लेम्स अ मोनोपोली ऑफ लेजिटिमेट फोर्स इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी मींस एक बॉडी है जो क्लेम करती है मोनोपोली मतलब रूल सिर्फ वो बॉडी करेगी और वो रूल जो है वो लेजिटिमेट फोर्स जो है वो देता है करता है सोसाइटी पे वो लेजिटिमेट है दैट मीन दैट इज एक्सेप्टेड बाई ऑल किसी एक पर्टिकुलर टेरिटरी में ठीक है आपको यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस देखना होगा नेशन का एंड स्टेट का देखो जब हम स्टेट की बात करते हैं ना हम किसी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं पॉलिटिकल लीगल इंस्टीट्यूशन जो इंस्टीट्यूशनलाइज है आपकी सोसाइटी में वो लीगल है लीगल और आपके पॉलिटिक्स से रिलेटेड है वो स्टेट जब हम इंडिया एज ए स्टेट की बात करेंगे तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपके रूल्स लॉज रेगुलेशन वो सारी चीजों का जिक्र होगा नेशन की बात करते हैं जब हम इंडिया हम नेशन की बात करते हैं तो हम फीलिंग्स की बात करते हैं कि हम कैसे एसोसिएटेड हैं अपने नेशन के साथ हम एक सेंटिमेंट्स की बात करते हैं फाइन ये एक आइडियोलॉजी है नेशन जो आपको यूनाइट करके रखता है आपके एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है एक कॉमन कल्चर कॉमन हिस्ट्री है आप लोगों की वो सारी चीज़ें आपको सॉलिडरिटी देंगे तो नेशन वो प्यार वाली फीलिंग आती है जब हम बोलते हैं हमारा भारत महान तो इंडिया वाली फीलिंग आती है और जब पोलिटिकल लीगल इंस्टीट्यूशन की बात करते हो आप रूल्स रेगुलेशन फॉर्मल चीजों का जिक्र करते हो तो ये डिफरेंस है नेशन एंड स्टेट में अगर आप कहीं भी हो अगर फॉर एग्जाम्पल आप ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड हो या कैनेडा में सेटल्ड हो यूएस में कहीं भी हो तो आप एज अ नेशन इंडिया से आप दो इन स्टेट्स में रह रहे हो लेकिन एज अ नेशन आप खुद को अभी भी इंडियन बोलते हो एज अ नेशन आप खुद को एसोसिएट करते हो इंडिया के साथ ठीक है वेबर ने डिफाइन किया था नेशन को एज अ कम्युनिटी ऑफ सेंटिमेंट्स अब देखो ये सारे जो वेबर ने कम्युनिटी ऑफ सेंटिमेंट्स बोला था ये चीजें जो है खासकर जो इटैलिक्स में लिखी है ये आप याद रख लेना ये की आप एग्जाम में यूज कर सकते हो और यही चीज़ें आपको मार्क्स दिलाती है नेशन अनलाइक स्टेट एक टेरिटोरियल या प्योरली पोलिटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है ये एसोसिएट होता है सेंटिमेंट एस्पिरेशन कॉन्शियसनेस रूटेड इन कॉमन आइडेंटिटी आइडियोलॉजी कल्चर हिस्ट्री वगैरह से टूडे मोस्ट ऑफ द स्टेट्स आर नेशन स्टेट्स नेशन स्टेट्स क्या होती है वो भी हमें आगे देखना है द मेन डिस्टिंक्शन बिटवीन नेशन स्टेट इज द बेस ऑफ नेशन साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल यूनिटी वाइल स्टेट की एक है। ये इनके बीच की मेन डिफरेंस है ठीक है हमारे पास कुछ नेशन होती है विदाउट स्टेट एंड वाइसी वर्सा ये आ, ये एग्जाम्पल्स आपको आगे क्लियर कियापल आपको दे देती है यहीं पे बता देती हूँ बेसिकली नेशन स्टेट क्या होता है कि स्टेट क्या कर रहा है वो नेशन को एक वो नेशन के जो लोग हैं उस स्टेट के लोग हैं उनको कुछ सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है मतलब एक लीगली उनको वो किसी कंट्री से बाउंड कर रहा है और नेशन के जो लोग हैं वो क्या करते हैं वो डिक्लेयर करते हैं खुद को पार्ट ऑफ द स्टेट वो एक इमोशनल इंटीग्रिटी डिस्प्ले करते हैं टुवर्ड्स द स्टेट ठीक है इसको बोलते हैं नेशन स्टेट अब अगर नेशन विदाउट स्टेट दैट मीन्स वो नेशन की फीलिंग आपके अंदर है लेकिन आप किसी स्टेट का पार्ट नहीं हो स्टेट के लिए आपको होने के लिए चार चीजें जरूरी होती हैं स्टेट का पार्ट होने के लिए पॉपुलेशन एक टेरिटरी होनी चाहिए आपकी एक फॉर्मल गवर्नमेंट होनी चाहिए एंड सॉविर्निटी होनी चाहिए ठीक है सॉविडनिटी क्या होता है जब आपके पास अथॉरिटी होती है अपने डेसिजन खुद लेने के लिए जैसे आज हम बोलते हैं इंडिया जो है एक सोवेरियन कंट्री है दैट मीन्स हमारे इंटरनल मैटर्स में कोई और इन्फ्लुएंस कोई और ये नहीं कर सकता हमें हमारे डिसीजन मेकिंग में कोई और इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता और हमारे डिसीजन को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है क्योंकि हमारा सोवेरियन नेशन है ठीक है तो ये चार चीजें होना स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है अब आपके पास नेशन से विदाउट स्टेट जिनके पास ये चीजें नहीं है अगर इसराइल और पेलेस्टीन की एग्जाम्पल में आज हम देखें ये इस, पेलेस्टीन ऑल्डो वो खुद को एक नेशन से एसोसिएट करते हैं वो फीलिंग उनके पास है लेकिन वो स्टेट कंसिडर नहीं होते हैं क्योंकि उनकी अपनी कोई सोलिडनिटी अभी एग्जिस्ट नहीं करती है ठीक है दूसरी तो एग्जाम्पल हम में हम देख सकते हैं कर्जस का ये फैली हुई है वेरियस कंट्रीज में डिस्पर्स है मेनली इराक सीरिया टर्की एंड ईरान ये चाहते हैं ये अपना एक अलग कंट्री बनाए कर्जिस्तान ठीक है तो इनको भी नेशन विदाउट स्टेट्स बोला जाएगा क्योंकि अभी इनकी अपनी कोई टेरिटोरियल इंटीग्रिटी या कोई सॉवेनिटी इनके पास नहीं है तो दे आर ऑल्सो नेशन विदाउट स्टेट्स ठीक है स्टेट के लिए चार चीजें मैंने कही थी वो याद रख लेना पॉपुलेशन टेरिटरी गवर्नमेंट एंड सॉवर्निटी यह हमें आगे भी देखना यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आप नोट no डाउन नहीं किया तो आप अभी डोंट वरी ड्यू टू लैक ऑफ कंसेंसिस यूनिवर्सल डेफिनेशन तो नेशन को एज ए कंसेप्ट हम डिफाइन नहीं करते एक कंक्रीट डेफिनेशन नहीं है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं क्योंकि अलग टाइप की आपको डिस्क्रिप्शन मिलेंगे नेशन को लेके जैसे यूएस में पॉली एथनिक नेशनलिज्म प्रेजेंट है कहीं पे कोर्स नेशनलिज्म होता है जैसे डिक्टेटर रेजीम्स में इसराइल के पास रिलीजियस नेशनलिज्म है और इंडिया के पास कॉम्पोजिट कल्चर नेशनलिज्म है इंडिया के पास कॉम्पोज कल्चर है ये एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है मैंशन अगर आपको पता हो गए तो आर्टिकल कौन सा आता है वो कॉमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं तो इसीलिए एक नेशन के जो बेस हैं वो काफी अलग हो सकते हैं इसलिए हम इसको एक कंक्रीट डेफिनेशन से एक्सप्लेन नहीं करते हैं नेशन एज ए कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर कम्युनिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट लाइक रेस एंड एथ्सिटी क्योंकि हमने पढ़ लिया है इसमें आपको बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और इसमें कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं लेकिन नेशन में बायोलॉजिकल नहीं आते नेशन आपका कॉमन कल्चर आइडियोलॉजी हिस्ट्री इन सब चीजों से आप जुड़े हुए होते हो इसीलिए आप एक कम्युनिटी वाली फीलिंग में रहते हो अब एंडरसन एंड नेशनलिज्म पे कुछ हमें कहा था कहा था मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट है दैट मीनस एक आइडियोलॉजिकल डॉक्ट्रीन है रियलिटी कोई कंक्रीट रियलिटी नहीं है इसके तीन कोर फीचर्स हैं ये एक इमेजन कम्युनिटी है ये लिमिटेड एंड एक्सक्लूजनरी है क्योंकि जब एक आप इंडिया एज अ नेशन की बात करते हो आप एक्सक्लूड करते हो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को रेस्ट ऑफ द ग्लोब को आपने एक्सक्लूड किया और इंडिया एज अ नेशन की बात कर रहे हो इस वजह से एक्सक्लूजनरी है जो कॉन्सेप्ट है ऑल्सो प्री सपोज एज सॉवेटी एस ऑल नेशन स्ट्राइव टू प्रिजर्व देयर इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ गवर्नेंस ठीक है इसमें सॉवर्निटी भी आ गई क्योंकि हर किसी को प्रिजर्व करनी होती है अपनी इंडिपेंडेंस उन्होंने डिफ्रशिएट किया नेशनलिज्म को फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस क्योंकि रेस को हम क्लासिफाई करते हैं बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे और इसीलिए क्लोज ग्रुप है जबकि नेशन का ऐसा आ, ये नहीं है ठीक है और जो रेसेस होते हैं दे ऑलवेज ट्राई टू प्रिजर्व दम और जो नेशन है खुद को एक्सपैंड करने की कोशिश में लगे होते हैं नेशनलिज्म को आप डिफाइन करो एज अ सेट ऑफ सिम्बल्स एंड बिलीफ्स प्रोवाइड बिलीफ प्रोवाइडिंग द सेंस ऑफ बींग अ पार्ट ऑफ सिंगल पोलिटिकल कम्युनिटी आप इंडिया को दिमाग में रख के डेफिनेशन देखो तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी जो ठीक है in Indian, in British, in French, तो वो काफी सेंस ऑफ प्राइड देता है आर्डस्ट गैलर ने इन नेशन एंड नाशन नेशनलिज्म नाशन कहा था जो नेशन नेशनलिज्म नेशन स्टेट है ये सारे मॉडर्न कॉन्सेप्ट और स्टार्ट हुए थे लेट एटीन सेंचुरी में ठीक है लेकिन आ, अलग अलग व्यूज है इसको लेके सोशोलॉजिस्ट ने दिए थे से पहले ह्यूमन हैबिटेशन जो थी वो आइसोलेटेड थी तो ये जो कॉन्सेप्ट है एक क्लोजनेट कम्युनिटी होने का या ये फीलिंग जनरेट करने का नेशनलिज्म के साथ ये एक फेयरली न्यू कॉन्सेप्ट है तो ये अलग अलग थिंकर्स ने कुछ थोड़ी मोटी बातें कही होंगी ये आप एक बार पढ़ लेना हैंस ने अपनी बुक में कहा था डिस्टिंग्विश किया था वेस्टर्न नेशनलिज्म को और ईस्टर्न नेशनलिज्म को उन्होंने कहा था वेस्टर्न नेशनलिज्म जो था ये एक ऑलरेडी यूनाइटेड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बना था जिसकी वजह से वेस्टर्न नेशनलिज्म इमर्ज हुआ था लेकिन ईस्ट में ऐसा नहीं हुआ था ईस्टर्न नेशनलिज्म जो है एम्ड एट जस्टिफाइंग द क्रिएशन ऑफ जो न्यू नेशन स्टेट्स हुई थी एंड न्यूली अडोप्ट पॉलिटिकल सिस्टम्स ठीक है तो यहाँ पे नेशनलिज्म किस वजह से हुआ था जब इंट्रूजन हुई थी वेस्ट से ठीक है आपके इंपेरियलिज्म या कॉलोनियल वाला जो वो सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा जब उनकी इंट्रूजन हुई थी और आपने वो नेशनल मूवमेंट में आपने उसके उस चीज को फाइट किया था और एक नेशन स्टेट क्रिएट हुआ था एक नेशनल मूवमेंट की वजह से उन चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए जो वेस्ट ईस्टर्न कंट्रीज में नेशनलिज्म है वो इमर्ज हुआ था यही बातें यहाँ पे लिखी हैं विलिंकन ने भी सजेस्ट किया था नेशनलिज्म जो है इट इज अ रिलेटिवली न्यू फिनना लेकिन इन्होंने डिफ्रेंशिएट uh, नहीं किया था बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न नेशनलिज्म ठीक है तो यहाँ पे अगेन एक दो नाम है वो देख लेना उन्होंने क्या कहा था लिबरलिज्म एंड मार्क्स जो है दे हैव कंटेंटेड दैट नेशनलिज्म इज लाइकली टू लूज इट्स एक्जिस्टेंस मार्क्सिस्ट ने कहा था क्लासेस डोमिनेंट रोल प्ले करती हैं फ्यूचर में और जो क्लास डायनामिक्स है वो एक टाइम पे मतलब नेशनल आइडेंटिटीज को खत्म कर देगा लिबरलिस्ट ने कहा था दे एट्रीब्यूट द फॉल ऑफ नेशनलिज्म टू द राइज ऑफ ग्लोबलाइजेशन और वीकनिंग ऑफ नेशनल बॉर्डर जितना ज्यादा ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगी नेशनल बॉर्डर उतने कम कम हो जाएंगे ब्लर होते जाएंगे और आपका जो नेशनलिज्म वाली फीलिंग है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी ठीक है अब नेशनलिज्म के नेगेटिव्स हमें गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने कहे थे रविंद्रनाथ टैगोर ही वाज वन ऑफ द मोस्ट फॉरमोस्ट अमंग देम जिन्होंने इसको क्रिटिक इसका प्रेजेंट किया था इन्होंने कहा था आई एम नॉट अगेंस्ट दिस नेशन और दैट नेशन ही वॉज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ नेशन इट्सल्फ तो ये चीजें अगर आप पढ़ लोगे आपको कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी नेशनलिज्म के मिल जाएंगे जैसे इसमें लोगों का एक मैकेनिकल पर्पज होता है दैट इज फाउंड ऑन ग्रीड जेलसी सस्पेशन एंड डिजायर फॉर पावर नेशन जो है आउटकम ऑफ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रेसिव प्रिविलेजिंग एंड फेटिशाइजेशन ऑफ कॉम्पिटेटिव एक्ूमुलेन ठीक है सारी नेगेटिव चीजें ये फ्रीडम खत्म कर लेता है इंडिविजुअल का और उसको एक्सक्लूजनिस्ट एंड एंडजिंगोस्ट बनाता है

स्टेट मैंने आपको कहा होता क्या है जिसके पास ये चार चीजें होनी चाहिए वही डेफिनेशन है इसकी यहाँ पे कुछ बेसिक बातें हैं स्टार्टिंग एवोल्यूशन की जो यहाँ पे लिखी हुई है सिंपल सी बातें जो मॉडर्न टर्म स्टेट है डराइव हुआ है स्टेटस से ठीक है निकोलो मेविली जो थे उन्होंने लिखा था द प्रिंस उनकी बुक थी उन्होंने पहली बार यूज किया था स्टेट को इन पॉलिटिकल साइंस में मॉडर्न सेंस में पॉलिटिकल साइंस में काफी थियोरीज इसकी पुट फॉरवर्ड की गई हैं जैसे एवल्यूशन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरी लिबरल थीज लाइक लॉकेबीज हॉबीज दे पुट पुट इंडिविजुअल एट द सेंटर ऑफ द स्टेट फॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू देम मॉडर्न स्टेज इज रिगार्डेड एज एन एजेंसी ऑफ ह्यूमन वेलफेयर ठीक है तो ये सारी बातें इन्होंने लिबर ने कही थी इन्होंने कहा था मैन जो है एंटर्स इंटू ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक रेसिप्रोक्रेटिव मैनर में एंड स्टेट मेरली एक्ट एज अ न्यूट्रल आर्बिट्रेटर दे आर्ग्यू दैट स्टेट इज फॉर सोसाइटी एंड नॉट अदरवाइज ठीक है तो इन्होंने प्रेमेसी किसको दी थी इंडिविजुअल को स्टेट को डिफाइन किया गया है एज पोलिटिकल एपरेटर्स इंक्लूडिंग जिसमें गवर्नमेंट हो एडमिनिस्ट्रेशन हो गिवन टेरिटरी पे वो रूल कर सके और एक अथॉरिटी बैक बाय सम फॉर्म ऑफ लॉ और कोई पावर होना चाहिए यूज करने के लिए फोर्स को ठीक है तो जो सिटीजन है वो दे के नॉट फुलफिल देयर नीड्स वो डिपेंड करते हैं स्टेट पे एटलीस्ट दो चीजों के लिए ये सिटीजन की डिपेंडेंस स्टेट पे है ठीक है ये वो चीजें कलेक्टिव वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी एज ए होल उसके लिए स्टेट की जरूरत है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर की अगर वो नहीं होगा तो एक सिविल वॉर वाली कंडीशन आ जाएगी अगर लॉ एंड ऑर्डर आपकी स्टेट में नहीं होगा ठीक है अब देखो स्टेट के लिए चार चीजें जो जरूरी चाहिए वो यहाँ पे मेंशन है पॉपुलेशन टेरिटरी सॉवरेंट्री गवर्नमेंट ये चीज हो गई है मार्क्स ने कहा था स्टेट जो है इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लेशन एज ए कमिटी फॉर मैनेजमेंट ऑफ द होल अफेयर ऑफ द बर्जर कि आपकी जो स्टेट है ये बेसिकली किसका हैंडीवर्क है बनाया ही किसने है और किसके अराउंड चलते हैं आपके बर्जो जिनका अल्टीरियर एक अल्टीमेट मोटिव क्या है को एक्सप्लॉयट करना तो मार्क्स का हमेशा से वही एक व्यू पॉइंट जो है वो रहेगा ठीक है ग्राम ने भी यूज किया मार्क्स फ्रेमवर्क बट ही द स्टेट इंटू टू एरेनास विच आर पॉलिटिकल सोसाइटी एंड द सिविल सोसाइटी पॉलिटिकल बेसिकली आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजें एंड सिविल सोसाइटी आपका प्राइवेट रिलेटेड चीजें ठीक है प्राइवेट एरिना उन्हें देखा था स्टेट को नॉट इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन बट इन टर्म ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द डोमिनेंट क्लास जो मेंटेन करता है इट्स डोमिनेंस फोर्स से नहीं बट थ्रू आइडियोलॉजिकल डिवाइसेस अपने आइडियाज से जो डोमिनेट कर रहा है मेजॉरिटी ऑफ द क्लासेस को इसीलिए उसको इन्होंने क्या कहा था हेजमनी है ये दैट इज डोमिनेंस ऑफ वन ओवर द अदर वो कौन डोमिनेट कर रहे हैं जो डोमिनेंट क्लास है वो डोमिनेट कर रहे हैं दूसरी क्लास को वही इन्होंने स्टेट कहा था वो डोमिनेट कर रहे हैं नॉट फॉर द नॉट थ्रू द यूज ऑफ फोर्स बट थ्रू आइडियोलॉजिकल डिवाइसेज फंक्शनलिस्ट ने ऑब्वियसली अच्छा ही कहा होगा ठीक है ये कुछ थिंकर्स का आप देख लेना ये हो गया जो स्टेट है इसके काफी फॉर्म्स एंड शेप्स होते हैं जैसे सोवेरियन फेडरल ऑटोक्रेटिक सेक्यूलर हैजीमोनिक थियोक्रेटिक एनार्किस्ट वगैरह अब नेशन स्टेट्स आ गया ये मैंने आपको कहा स्टेट क्या करते हैं आपको सिटीजनशिप देता है और नेशन से आप क्या इंडिविजुअल क्या करते हैं एक इमोशनली इंटीग्रेट इंटीग्रिटी अपनी मेंटेन रखते हैं टुवर्ड्स द स्टेट ठीक है और आपको एफिलेशन देते हैं टुवर्ड्स द स्टेट नेशन स्टेट जो है रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट है डिस्क्राइब करते हैं न्यू पॉलिटिकल यूनिट्स ऑफ मॉडर्न डे टुडे ऑलमोस्ट ऑल सोसाइटीज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ नेशन स्टेट एज बाउंड्रीज ऑफ नेशन एंड स्टेट जो है वो को करती है नेशन स्टेट्स आर स्टेट्स विच कन्फर सिटीजनशिप राइट एज अ अस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी एंड इन रिटर्न स्टूडेंट सिटीजन है वो डिक्लेयर दम सेल्स एज अ पार्ट ऑफ अ सिंगल नेशन दस गिविंग दम सेल्स इमोशनल इंटीग्रिटी टू द पॉलिटिकल यूनिट यही आपका नेशन स्टेट होता है देर इज नो वन सिंगल डेफिनेशन क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी आपका रिसेंट ऑरिजिन का है इट वॉज नॉट ट्रू इन द पास्ट दैट अगल स्टेट कुट ओनली वन नेशन इवन टूडे हमारे पास डुअल सिटीजनशिप लॉज है जो काफी कंट्री जैसे जर्मनी हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया या डेनमार्क वगैरह यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप चलती है दैट मीन्स एक टाइम पे आप एक से ज्यादा कंट्रीज के सिटीजन हो सकते हो लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं है अगर आप इंडियन हो तो अगर आपको किसी और कंट्री की सिटीजनशिप लेनी है यू हैव टू गिव अप योर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ठीक है तो ये आ गया इसीलिए इसको फेयरली न्यू कॉन्सेप्ट बोला जाता है इस वजह से कोई सिंगल डेफिनेशन इसके लिए एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं है हमें हमारे पास नेशन विदाउट स्टेट्स भी हैं इसकी एग्जांपल मैंने आपको बोली पैलेस्टीन या कर्ज वगैरह जिनके पास वो चार चीज़ों में से कुछ चीज़ें पॉलिटिक्स सॉरी पॉपुलेशन टेरिटरी गवर्नमेंट एंड सॉवेनिटी ठीक है ये सारी चीज़ें इनके पास नहीं है इस वजह से स्टेट नहीं बन पाते हैं लेकिन वो कम्युनिटी सेंटिमेंट वाली फीलिंग है इस वजह से वो पार्ट ऑफ ए नेशन खुद को कंसिडर करते हैं फाइन इन सच केस मेनी ऑफ द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए नेशन आर प्रेजेंट बट दो नेशन दे लैक इंडिपेंडेंट पोलिटिकल कम्युनिटी जैसे सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलती है चेस्निया कश्मीर स्कॉटलैंड अर्स्ट वाइल स्टेट्स ऑफ यूएसएस आर में वही वो, वो सारी चीजें भी आप बोल सकते हो नेशन विदाउट स्टेट में कहीं ना कहीं आपको वो मैनिफेस्ट करती हैं एंड एडवांस्ड स्टेज इज रीच्ड विद द राइज ऑफ नेशन विच हैवे अर सेपरेट आइडेंटिटी बट दे आर नॉट रिकग्नाइज बाय द वर्ल्ड फॉर एग्जाम्पल कोसोव एंड पेलेस्टीन की यहाँ पे एग्जाम्पल आ गई ठीक है जिनकी कहीं ना कहीं एक सेपरेट आइडेंटिटी है आज हम पेस्टीन को के लोगों को तो बोलते हैं लेकिन दे आर नॉट रिकोगनाइज बाय द वर्ल्ड कुछ कंट्रीज रिकोगनाइज कर रही है पेस्लस्टीन को और कुछ कंट्रीज अभी भी रिकोगनाइज नहीं करती हैं ठीक है तो उनके पास इसीलिए ये उनको स्टेट अभी नहीं बोला जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेशन विदाउट स्टेट है फॉर एग्जाम्पल एक नेशन है जो एक्सेप्ट करती है कल्चरल डिफरेंसेज फाउंड अमंग इट्स माइनॉरिटीज और माइनॉरिटी और कुछ टाइप ऑफ ऑटानमी उनको कुछ लेवल ऑफ ऑटोनॉमी सम डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी उनको दी जाती है फॉर एग्जाम्पल स्कॉट्स एंड वेल्स इन ब्रिटेन कुछ केसेज में हायर डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी उनको दी जाती है फॉर एक्जाम्पल क्यूबिक इन कैनेडा में इनको थोड़ी ज़्यादा अटानमी मिल मिली है इनके पास रीजन पोलिटिकल पार्टीज हैं दे हैव द पावर टू मेक डिसीजन विदाउट एक्चुअली बींग फुली डिपेंडेंट फाइन और थर्ड है Which completely lack recognition from the larger nation-state. Is the Palestine, Tibet, and Kurds in Iraq and Syria are such examples. Fine. So this was your nation without states. So I guess we'll stop it here. Next lecture we will start a citizenship. Till then, bye bye. Take care. Have a great day.